Maintain image notes in accounts and accounting voucher. इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में अकाउंट्स और अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए नोट्स और इमेजेस मेंटेन करने के बारे में जानेंगे। आप नोट्स में पार्टी या वाउचर से जुड़ा डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं और इमेजेस में पार्टी का कंपनी लोगो मेंटेन कर सकते हैं और वाउचर्स के केस में चेक की इमेज अटैच कर सकते हैं या कोई बिल की कॉपी आप वाउचर के साथ अटैच कर सकते हैं। फीचर को इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शंस अकाउंट्स टैब में मेंटेन इमेज नोट्स विद मास्टर वाउचर ऑप्शन को इनेबल करें। ऑप्शन को इनेबल करने पर ऑप्शंस फॉर इमेजेस एंड नोट्स विंडो अपीयर होगी, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मेंटेन इमेजेस विद अकाउंट मास्टर को इनेबल करें यदि आप अकाउंट मास्टर के साथ इमेजेस मेंटेन करना चाहते हैं। इसके बाद फोल्डर का पाथ बताएं जहां पे आपने अकाउंट मास्टर की इमेजेस सेव कर रखी हैं। इस फोल्डर में जो इमेजेस का नाम होगा और जो अकाउंट का नाम होगा या एलियास होगा उनसे मैचिंग कराई जाएगी। इमेज का नाम और अकाउंट का नाम या एलियास से जो भी इमेज मैच करेगी उसे उस अकाउंट मास्टर के साथ टैग कर दिया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है सेव अकाउंट मास्टर इमेज इन डेटाबेस। ये ऑप्शन इसलिए अपेयर हो रही है क्योंकि हम अभी SQL वर्जन में काम कर रहे हैं। SQL में ऑप्शन होती है कि आप डेटाबेस में इमेजेस सारी सेव कर सकते हैं ताकि सेंट्रलाइज्ड एक डेटाबेस आपके पास हो और कोई भी यूजर्स उन इमेजेस को यूज़ कर सके। हम लेटर ऑन इसको ऑप्शन को इनेबल करके भी इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। इसके बाद है मेंटेन नोट्स विद अकाउंट मास्टर। इस ऑप्शन को इनेबल करें यदि आप अकाउंट मास्टर के साथ नोट्स मेंटेन करना चाहते हैं जिसमें आप पार्टी से जुड़ा डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। शो अकाउंट्स नोट्स इन डेटा एंट्री, यदि आप डेटा एंट्री के दौरान पार्टी को सिलेक्ट करते ही उससे जुड़ा डिस्क्रिप्शन जो आपने मास्टर में एंटर किया था वह देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल करें। इसके बाद मेंटेन इमेज विद अकाउंटिंग वाउचर, यदि अकाउंटिंग वाउचर के साथ आप इमेजेस मेंटेन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल करें। अगेन ऑप्शन है सेव अकाउंटिंग वाउचर इमेजेस इन डेटाबेस, अकाउंटिंग वाउचर से जुड़ी इमेजेस यदि आपको डेटाबेस में सेव करनी है। और उसके बाद मेंटेन नोट्स विद अकाउंटिंग वाउचर, यानी अकाउंटिंग वाउचर के साथ आप नोट्स मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब वाउचर में आप जो है वाउचर से रिलेटेड नोट्स एंटर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एनेबल करें। यहाँ पे आपने देखा कि हमने इमेजेस जो हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए मेंटेन करने का ऑप्शन एनेबल किया है, लेकिन अकाउंटिंग वाउचर इमेजेस के लिए कोई फोल्डर स्पेसिफाई नहीं किया। वह फोल्डर हम कॉन्फ़िगरेशन वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले पेमेंट वाउचर के लिए यदि आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो पेमेंट वाउचर की सीरीज सिलेक्ट करें और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर वाउचर इमेज फोल्डर में फोल्डर बताएं जिसमें कि आपकी वाउचर से जुड़ी इमेजेस पड़ी होंगी। इसमें जो भी इमेज का नाम होगा वो वाउचर नंबर के साथ मैच किया जाएगा और सेम नाम और नंबर वाली इमेज को टैग कर दिया जाएगा। पेमेंट वाउचर नंबर 1 के साथ इमेज जिसका कि नाम 1 होगा वह टैग कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रॉम्प्ट फॉर इमेज सेविंग इन डेटाबेस ऑप्शन एनेबल करें। इससे वाउचर को सेव करते टाइम बिजी आपसे पूछेगा वाउचर इमेजेस को डेटाबेस में सेव करना है या नहीं करना। अब हम एक पार्टी मास्टर एंटर करेंगे। देखिए पार्टी का नाम एंटर करते ही पार्टी का लोगो अपीयर होना शुरू हो गया। इसको डबल क्लिक करके आप एक्सपैंड करके भी इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे मित्तल सॉल्यूशंस के नाम से पार्टी थी और क्योंकि जो फोल्डर हमने स्पेसिफाई किया था वहाँ पे मित्तल सॉल्यूशंस के नाम से एक इमेज पड़ी थी वो इसके साथ इमीडिएटली टैग हो गई। अब हमने जो ऑप्शन सेव अकाउंटिंग मास्टर इमेजेस और सेव अकाउंटिंग वाउचर इमेजेस इन डेटाबेस ऑप्शन एनेबल नहीं करी थी उन्हें एनेबल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस ऑप्शन को एनेबल करने से क्या इफ़ेक्ट आता है। यहाँ पे अगेन हमने मित्तल सॉल्यूशंस के नाम से पार्टी क्रिएट करी, पहले हमने पार्टी को सेव नहीं किया था। यहाँ पे देखिए लोगो जो है कंपनी का अपीयर नहीं हुआ। ग्रुप फील्ड पे एंटर करते ही नोट्स विंडो अपीयर हुई जिसमें आप पार्टी से जुड़े नोट्स या डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। अब हम इस वाउचर को सेव करेंगे। सेविंग के दौरान बिजी ने पूछा कि इमेजेस को डेटाबेस में सेव करना है, फोल्डर पूछा कि किस फोल्डर से इमेजेस उठानी है और उनको डेटाबेस में सेव करना है। इस फोल्डर में जो भी मित्तल सॉल्यूशंस के नाम से अगर कोई इमेज होगी तो वो डेटाबेस में सेव हो जाएगी। देखिए
अब हम इस पार्टी को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो पार्टी का लोगो नज़र आने लग गया, क्योंकि डेटाबेस में अब मेटल सॉल्यूशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इमेज सेव हो गई। अब हम एक परचेज का वाउचर एंटर करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करते ही देखिए पार्टी से जुड़े नोट्स जो अपने अकाउंट मास्टर में एंटर किए थे वो अपीयर हो गए। बॉटम में पार्टी का लोगो भी नज़र आ रहा है। अब हम परचेज वाउचर को सेव करेंगे। इसके बाद हम एक पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे वाउचर नंबर 1 है, मित्तल सॉल्यूशंस हमने पार्टी ली, उससे जुड़े नोट्स नज़र आ गए यहाँ पर स्क्रीन पर। बॉटम में मित्तल सॉल्यूशंस का लोगो भी नज़र आया। अमाउंट एंटर किया, बैंक सिलेक्ट किया, चेक नंबर स्पेसिफाई किया और वाउचर को हमने यहाँ पे सेव कर दिया। वाउचर को सेव करते ही एक नोट्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि आप वाउचर से जुड़े नोट्स एंटर कर सकते हैं। पार्टी से जुड़े नोट्स पार्टी के बाद अपीयर होंगे और वाउचर से जुड़े नोट्स वाउचर सेविंग पे अपीयर विंडो होगी जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद बिजी ने आपसे पूछा कि वाउचर इमेजेस को डेटाबेस में सेव करना है। आपने यस किया और फोल्डर बताया जहां से इमेज पिक करनी है। अब इस फोल्डर में जो भी 1 नाम से इमेज होगी वो इस वाउचर के साथ टैग हो जाएगी। देखिए मॉडिफाई मोड में हमने ओपन करके देखा, इमेज को डबल क्लिक किया, एक्सपैंड करके देखा तो चेक का इमेज जो है अपीयर हो गया। इसके अलावा यदि आप बल्क में जो इमेजेस हैं डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशन में सेव इमेज इन डेटाबेस यूटिलिटी दी गई है, जिसमें आप मास्टर इमेजेस, वाउचर इमेजेस और जनरल इमेजेस, यानी कि जो लेटर ऑन आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी का लोगो, वो इमेजेस सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मास्टर इमेज लिया, मास्टर टाइप बताया, इमेज फोल्डर बताया और कहा कि एग्जिस्टिंग इमेजेस को ओवरराइट करना है, यदि आपकी कोई इमेज चेंज हुई है तो वो ओवरराइट भी हो जाएगी। और उसके बाद इस फोल्डर में जितनी भी आपकी इमेजेस पड़ी होंगी वो सारी डेटाबेस में सेव हो जाएगी। सिमिलरली आपका वाउचर इमेज सेव करने का ऑप्शन है। यहाँ पे हमने वाउचर टाइप पेमेंट लिया, फोल्डर बताया, इस फोल्डर में जितनी इमेजेस होंगी वो भी डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। ऐसे ही आपका जनरल इमेजेस सेव करने का ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी कंपनी का लोगो या कोई भी इमेजेस सेव करके रख सकते हैं डेटाबेस में फ्यूचर उसको यूज़ करने के लिए। आप डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन में इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी में ईजीली पार्टी वाउचर के इमेज और नोट्स मेंटेन कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।